में फी लीटर इजाफा है और कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18-18 रुपए फी लीटर इजाफा है। शहबाज सरकार आईएमएफ के सामने सरनिगुह, महंगाई का बड़ा बम चला दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यकमुश्त 35-35 रुपए का बड़ा इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतों का फौरी इतलाक होगा। पेट्रोल 249.80 रुपए, डीजल 262.80 रुपए का हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी 18-18 रुपए इजाफा। पेट्रोल, डॉलर, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने आवाम को कुचल दिया। इमरान खान कहते हैं करप्ट नाअहल हुकूमत की जानिब से हमारी मईशत की मुकम्मल बद इंतजामी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, खिलाड़ी मैदान में आ गए। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमान पार्क में मुजाहरा। पीडीएम का ताबूत उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे, ताबूत नजरे आतिश कर दिया। महंगाई हुकूमत के बस से बाहर हो गई, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। परवेज इलाही की तनकीद, कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा मरियम नवाज को 1 लाख डॉलर की सलामी है। हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं, इंतजामी गवर्नेंस ना होने के बराबर है। आवाम के लिए महंगाई, खास के लिए मरात। एफबीआर अफसरान के लिए बड़ी मरात का ऐलान। हेडक्वार्टर अलाउंस 20,000 से 40,000 करने का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को हाउस रेंट सब्सिडी की मद में 25 से 35 हज़ार रुपए देने का भी फैसला। घरेलू सामान खरीदने पर पहली बार 30 लाख मिलेंगे। माहाना 3 लाख किराए का मकान भी ले सकते हैं। एक बच्चे को 25 से 50 हज़ार माहाना स्कॉलरशिप देने की तजवीज़। फवाद चौधरी के पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर में मुख्तलिफ टेस्ट। थाना कौसार इस्लामाबाद की पुलिस लैब से लेकर वापस रवाना। पीटीआई रहनुमा को गुज़श्ता रोज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और दीगर शहरों में शदीद जलजला। शिद्दत 6.3, गहराई 150 किलोमीटर थी। शहरी घरों से निकल आए, मरकज ताजिकिस्तान था। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।